आईसीएमआर अपनी सभी गाइडलाइंस को बहुत गहराई से सोच समझकर और पूरे चिंतन के साथ देश के लोगों को प्रेषित करता है। समय समय पर हर टेस्ट के बारे में, उस टेस्ट को करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी जाती हैं। अभी एंटीबॉडीज का कोरोना वायरस के मरीजों के शरीर में डेवलप होना और उसको टेस्ट के माध्यम से डिटेक्ट करना और उसका एपिडेमियोलॉजी में, रिसर्च में, सर्वेलेंस में इस्तेमाल करना, यह सारा विषय जो है एक प्रकार से सारे दुनिया में इवॉल्विंग स्टेज में है। आप जानते हैं कि वायरस केवल अभी 3-4 महीने पहले ही दुनिया के अंदर आया है। कोई भी सरकार, कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट दुनिया में होती है, वो चाहती है कि उसकी जनता को उसका लाभ निश्चित रूप से दिया जाए, उससे जनता को किसी भी कीमत पर वंचित ना रखा जाए। एंटीबॉडीज को आज टेस्ट के रूप में हम अपने हॉटस्पॉट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जिन इलाकों में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इन्फेक्शन पर्याप्त मात्रा में है, क्या वहां पर अप्रभावित लोगों के अंदर भी कोई इन्फेक्शन के होने की संभावना तो नहीं रही है या हो सकती है। इस टेस्ट के संदर्भ में अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोई बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दी है। हमने लेकिन अपने देश में इस टेस्ट के माध्यम से भी हम बीमारी के फैलाव की जांच ठीक प्रकार से करें, इसका इस्तेमाल शुरू किया। इसके लिए सारे देश के लिए जो किट्स हैं उनको प्रोक्योर करके सभी स्टेट्स को दिया। तीन मई तक जहां तक लॉकडाउन खत्म करने का प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर तो आज देना बहुत मुश्किल है। अगले कुछ दिनों में देश किस दिशा में और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा या हमारी जो कोरोना के प्रभाव की गति धीमी होगी, ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका संज्ञान लेना होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। अभी चौथी बार वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 27 तारीख को करने वाले हैं। वहां पर भी वो निश्चित रूप से सबका, देश भर का फीडबैक लेंगे और फिर जो सारे एक्सपर्ट्स के साथ लगातार चर्चा करने के बाद जो भी नतीजा निकलेगा उसी के अनुरूप जो जनता के और देश के, समाज के लार्जर इंटरेस्ट में होगा, जो लोगों के व्यापक हित में होगा, वही फैसला किया जाएगा। उसके बारे में आज कुछ भी बता पाना संभव नहीं। आपको समझना होगा कि कोरोना वायरस से प्रभावित 80% जो लोग होते हैं, ये सारे दुनिया के लिए है, ये खाली भारत के लिए कोई अलग परिस्थिति नहीं है। 80% मरीजों को मामूली सिम्टम होता है या ना के बराबर सिम्टम होता है। लेकिन आज अगर मान लीजिए मुझे किसी ने कोई बीमारी का जो इन्फेक्शन दिया, तो जरूरी नहीं कि मुझे आज तुरंत ही सिम्टम होगा। सिम्टम एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद डेवलप हो सकता है और 7 दिन के अंदर लगभग मेरे शरीर में इतना वायरल लोड विकसित होगा कि मैं शायद दूसरे को जो है बीमारी दे सकूं। इसलिए ना तो ये कोई खतरनाक स्थिति है, ना ही इसके बारे में कोई एक तरह से गलत फहमी होनी चाहिए, ना इसको गलत तरीके से समझना चाहिए। ये 80% लोग जो हैं जिनको मामूली सिम्टम्स होते हैं, ये तो साधारण इलाज से, रेस्ट करने से, थोड़े फ्लूड्स की मदद से और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर थोड़ा बुखार है तो उसके लिए बुखार की दवा लेने से या जो भी सिम्टम उनको है उसके आधार पर ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। भगवान ना करे बीमारी बड़े पैमाने पर विकसित हो तो ये 80% लोगों को तो प्रॉपर अस्पताल में भी ले जाकर भर्ती करने की हमारी योजना नहीं है, क्योंकि उसकी उनको शायद जरूरत भी नहीं होगी। वो किसी भी स्थान पे, किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल में, किसी हॉस्टल में, कहीं पर भी उनको जो है आइसोलेट किया जा सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ के फील्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के सभी देश उसको फंडिंग करते हैं, समर्थन करते हैं और वो दुनिया के सभी देशों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित चिंतन करती है, पॉलिसीज बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, वो सारी दुनिया को उनको देती है।
और उस नाते मैं समझता हूं कि सभी लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन करना चाहिए। अमेरिका का जहां तक प्रश्न है, उनकी क्या नीति है, वो क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन को कमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो उनका अपना आउटलुक हो सकता है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत के पास अपनी जो एक इंटरनल स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कोई भी बड़ी बीमारियों के आउटब्रेक्स को हैंडल करने के लिए जो अपनी इंटरनल जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी योग्यता और पोटेंशियल है, वो बहुत बड़ा है। हमारा आज देश में जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है, वो दुनिया का शायद सबसे रॉबस्ट प्रोग्राम है। आज भी इस कोविड-19 में भी जिस प्रकार से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, एक एक समय में कई कई लाख लोगों को हमने पैनी निगाह से सर्वेलेंस में रखा है, जिस प्रकार से भारत ने जो है समय समय पर जो है भारत ने चेचक के खिलाफ जंग को जीता, पोलियो के खिलाफ जंग को जीता, हमने नीपा वायरस के खिलाफ, सार्स के खिलाफ, हमने और भी दूसरे बीच बीच में 2014 में मैंने स्वयं इस मंत्रालय में रहते हुए इबोला के खिलाफ जो है इबोला को भारत में आने नहीं दिया। देश में पीपीई किट्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं ये बात कई बार टेलीविजन चैनल पर भी कहा है कि लगातार मैं देश के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी संपर्क में रहता हूं और मेरे पास हर स्टेट में कितने पीपीई किट्स हैं इसकी पर्याप्त जानकारी है। शुरुआती दौर के अंदर जब ये तकलीफ शुरू हुई थी, तब जरूर थोड़ा सा तकलीफ इस कारण से थी क्योंकि इसका जो फैब्रिक है बनाने का, ये हमारे यहाँ नहीं बनता था, चाइना से वो इंपोर्ट इत्यादि होता था। और ये पीपीई किट्स वगैरह जो है, हमने इतनी विषम परिस्थितियों में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको विषय को इतना विकसित किया भारत में कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 100 से ज्यादा देश में हमने मैन्युफैक्चरर्स जो कि जो डिटेल्ड और कठिन टेक्निकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसके लेबोरेटरी के टेस्ट में पास हो चुके हैं, वो आज जो है पीपीई किट्स बना के दे रहे हैं। एक दिन में 1 लाख के करीब पीपीई किट्स हम आज भारत के लोगों की योग्यता और क्षमता के कारण विकसित कर रहे हैं। रोज हम स्टेट्स को भेजते हैं, किसी भी प्रकार से ना कोई पीपीई किट्स की शॉर्टेज है, ना ही कोई N95 मास्क की शॉर्टेज है, वो भी हम रोज के 1 लाख जो है देश के अंदर बना रहे हैं।